अब तक की पेट्रोल डीजल सीएनजी पीएनजी रसोई गैस सिलेंडर तेल इत्यादि की कीमतों की बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन अब आपकी नजर उतारने वाली नींबू को नजर लग गई है। जी हाँ, अभी मैं दादर मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर नींबू की कीमत अब सेब से भी ज्यादा हो गई है। नींबू की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। नींबू के कीमतों के मामले में फलों को भी पीछे छोड़ दिया है। आज के डेट में नींबू की कीमत 500 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। तो यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके धंधे पे क्या असर पड़ रहा है। अप्रैल से जो लगातार नींबू के दाम बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल सीएनजी के साथ साथ इसके भी दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो उस पे आपका क्या कहना है? नींबू का दाम तो बहुत बढ़ गया है, जो हम लोग का कमाई था वो कमाई सब नींबू में ही चला जा रहा है। तो कैसा, मतलब नींबू पानी जो आप लोग बेचते हो तो कैसा धंधा चल रहा है, धंधे पे क्या असर पड़ रहा है? धंधे पे असर तो पड़ ही रहा है, नींबू बहुत महंगा हो गया, नींबू पूरा बरोबर हम लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, और धंधा तो चलना वो चल ही रहा है, इसका धंधे पे भी बहुत असर पड़ गया है नींबू का। पहले में और अब में क्या फर्क दिखाई दे रहा है आपको? पहले मतलब नींबू सस्ता था तो 2 पैसा हमको मतलब इनकम जाता था। जी। अभी जो हमारा कमाई था मतलब कमाई सब नींबू में ही चला जा रहा है। अभी आज मतलब 500 रुपया सब नींबू, 200 नींबू का 1000 रुपया हो गया, और पहला यही मतलब 200 नींबू हम लोग को मतलब 300-250 इसमें मिल जाता था। अभी तो धंधे कम कर दो, कमाई का स्रोत हमारा था सब नींबू में ही चला जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपके धंधे पे क्या असर पड़ रहा है नींबू के जाम दाम जो ज्यादा महंगा होते जा रहे हैं? नींबू महंगा हो गया, उसमें असर गिर रहा है, वही जो हम लोग का कुछ बचत नहीं हो रहा, मेहनत जो करते हैं वही 250-400 रुपए टूट रहा है, और क्या नींबू बहुत महंगा हो गया, अभी 7-8 रुपए एक नींबू पड़ रहा है, उसमें शक्कर है, गिलास है, पेपर गिलास है, बर्फ है, ये सब में वही काट कूट के हम लोग को 1 रुपया मिल रहा है। तो पहले के धंधे में आपके धंधे में क्या फर्क दिखाई दे रहा है आपको? जब बहुत फर्क है, अभी वो जमीन आसमान के फर्क है, देख रहे तो पहला 700-800 रुपया हम लोग को छूट जाता था, अभी नामुमकिन है। एक तो लॉकडाउन से हम लोग परेशान है, अभी महंगाई से परेशान है। तो क्या कहना है, जो नींबू के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं पेट्रोल डीजल के साथ साथ? मैडम जी, रमजान चल रहा है इसलिए महंगा है नींबू, क्योंकि नींबू की खपत ज्यादा है और वो पेट में कम होता है, गर्मी भी है ना? और गर्मी बहुत ज्यादा है। क्या कहना चाहेंगे आप? गर्मी है, बाजार महंगा है, महंगा है तो महंगा बिकेगा। वालों का कहना है कि नींबू के दाम बढ़ने से उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल को नींबू का दाम 1 किलो 240 रुपए प्रति किलो था, 5 अप्रैल को 1 किलो नींबू का दाम 270 रुपए प्रति किलो था, वहीं 8 अप्रैल को नींबू का दाम 300 रुपए प्रति किलो था। आज की बात करें तो आज यानी 11 अप्रैल को नींबू का दाम 500 रुपए प्रति किलो है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि नींबू के दाम बढ़ने से उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ उनके धंधे पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ रोशनी दुबे, इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट, मुंबई।